हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी विद्यापीठ महुआ ऑनलाइन एजुकेशन। आई अभय व्यास इज टुडे गोइंग टू रिज्यूम अवर कंप्यूटर सब्जेक्ट विथ चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट। द चैप्टर नेम दैट इज वर्किंग विथ वर्ड आर्ट एंड ड्रो, राइट। अवर चैप्टर नेम दैट इज चैप्टर नंबर 4, वर्किंग विथ वर्ड आर्ट्स एंड ड्रो। सो मेनली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर अब तक हमने जो लर्न किया दैट इज हाउ टू एंटर द टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन, हाउ टू एंटर द टेबल, हाउ टू वर्क विथ अ टेक्स्ट। बट नाउ वी आर गोइंग टू एड मोर थिंग दैट इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट द इफेक्टिव डॉक्यूमेंट। अगर आपको इफेक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना वो कोई पिक्चर, इमेजेस और टेक्स्ट भी अगर आप लिखते हो तो वो टेक्स्ट भी फॉर्मेटेड और इंटरेस्टिंग वे में वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। सो मेनली वर्ड आर्ट इज अ फैसिलिटी दैट विल कन्वर्ट योर नॉर्मल टेक्स्ट इन टू द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, द फॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, द इफेक्टिव ऑब्जेक्ट जैसी टेक्स्ट जिसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन और फॉन्ट स्टाइल और वो सब थोड़ा यूनिक दिखता है, उसे हम वर्ड आर्ट कहते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस कंसेप्ट टू एड अ वर्ड आर्ट। अगर आपको वर्ड आर्ट का यूज करना है तो यू हैव टू ओपन द इंसर्ट मेनू। वर्ड के अंदर आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा। इंसर्ट मेनू कंटेन्स दिस ऑप्शन वर्ड आर्ट। Once you click on this word art, you can see there are different types of text available over here. यहाँ पर कई अलग अलग style की text available है, but ये सभी जो style है जिसके अंदर अलग अलग colors है, जैसे कि black color है, यहाँ पर जो है वो yellow type का color है, blue type का color है, right? Sky colors are there, golden color are there. So here you can find the different styles and different types of specific word art. जो आप लिखते हो उसका अलग अलग type के art वाला आपको एक यहाँ पर व्यू जो है वो दिखेगा। सो नॉर्मली जो भी कंटेंट और जो भी टेक्स्ट आपको फॉर्मेटेड और इस व्यू के अंदर चाहिए, उस टेक्स्ट को, उस स्टाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेक दिस पर्टिकुलर स्टाइल, मुझे ये स्टाइल चाहिए, तो आई हैव टू क्लिक ओवर हियर। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, सो इट विल ओपन अ न्यू डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर मुझे जो भी कंटेंट इस स्टाइल में चाहिए वो कंटेंट टाइप करनी होगी। For example, I am typing our subject name, that is computer. Right? So I'll have to type over here. उसको जो भी यहाँ पर जो है ना वो आपको सिर्फ टेक्स्ट टाइप करनी है, यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल आपको स्पेसिफाई करनी है कि उसका लुक जो है वो आप किस टाइप का लुक उसका चाहते हो। तो यहाँ पर से आप जो है वो फॉन्ट की स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली जो है वो एरियल और तो एरियल ब्लैक, दोनों में से आप किसी भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर उसकी साइज आती है, बाय डिफॉल्ट 36 साइज है, उसकी साइज आप यहाँ पर से जो है वो बढ़ा सकते हो। इट इज वेरी बिग इन साइज, दिस इज वेरी स्मॉल इन साइज, बट आप जो है वो मीडियम साइज यहाँ पर पुट कर सकते हो। सपोज मैं 36 तक की इसकी स्टाइल रखता हूँ, सो यू कैन लुक योर टेक्स्ट इन दिस बिगर वे। दिस इज बोल्ड स्टाइल, दिस इज इटैलिक स्टाइल, राइट। यू कैन रिमूव इट। अगर मैं यहाँ पर से नॉर्मल एरिया सिलेक्ट करता हूँ तो ये नॉर्मल आ गई स्टाइल। व्हेन आई क्लिक ऑन टू द बोल्ड, ये थोड़ी जो है वो बोल्ड स्टाइल में आ जाएगी, ये थोड़ी इटालिक मतलब थोड़ी क्रॉस स्टाइल में आ जाएगी। सो नाउ आई हैव गिवन दिस काइंड ऑफ इफेक्ट ओवर हियर, यहाँ पर मैं ऐसी इफेक्ट देता हूँ। एक बार ये सारी इफेक्ट आपने दे दी, एट लास्ट यू विल हैव टू क्लिक ऑन टू द ओके, राइट। सो ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इस व्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको अगर आपको इसकी साइज को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर सभी कॉर्नर के अंदर ऐसे कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो। दिस पर्टिकुलर डॉट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। इस कोऑर्डिनेट से आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो, राइट। इसको नीचे ऐसा ड्रैग कर सकते हो, तो इसकी साइज जो है वो आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। ये हर एक साइड से ऐसे बढ़ती है या तो घटती है, राइट। ये कॉर्नर वाली है तो इसे आप बढ़ा सकते हो, इसे आप नीचे लाकर इसे घटा सकते हैं, राइट। सो यू कैन इंक्रीज एंड यू कैन डिक्रीज द स्पेसिफिक साइज बाय ड्रैगिंग दिस
फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होगा, उसके बाद आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से देख सकते हो, राइट, देन यू कैन ड्रैग, आपको यहाँ पर माउस ले जाकर उसको ड्रैग करना होगा. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द कंप्यूटर CMPUTER कंप्यूटर द टेक्स्ट विच इज अवेलेबल ओवर हियर. तो ये नॉर्मल वर्ड आर्ट आप कैसे इंसर्ट करें उसके बारे में हमने अभी यहाँ पर लर्न किया. इसकी स्टाइल, वंस यू हैव सिलेक्टेड द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट यू कैन अगेन चेंज द स्टाइल, आप इस स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर जो है वो आपको स्पेसिफिकली मोर ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे. यहाँ से आप किसी भी एक स्टाइल के ऊपर अगर माउस को ले जाओगे तो यू कैन सी द प्रीव्यू इन अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर जो है उसका प्रीव्यू भी आ रहा है. दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल. सपोज ये सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर उसकी स्टाइल जो है वो ऐसे चेंज हो जाएगी. आप यहाँ पर से भी इसकी स्टाइल को चेंज करवा सकते हो डायरेक्टली, यू कैन क्लिक ओवर हियर. अगर आपको ऐसी वर्टिकल स्टाइल चाहिए तो आप वर्टिकल स्टाइल भी ले सकते हो, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको टेक्स्ट की स्टाइल दिखेगी, बट नॉर्मली हम जो वो हॉरिजॉन्टल स्टाइल ही रखते हैं. उसके अंदर मैं सपोज ये स्टाइल अभी सिलेक्ट करता हूँ, तो दिस इज माय स्टैंडर्ड स्टाइल, राइट. सो यू कैन चेंज द कलर कॉम्बिनेशन इन एवरी ऑप्शन फ्रॉम दिस मेन्यू. अभी इसके अंदर जो है ना वो जब भी आपने किसी भी वर्ड आर्ट का ऑपरेशन का शुरुआत की होगी, सपोज मैं अभी यहाँ से एक स्टाइल चेंज करता हूँ, नॉर्मल स्टाइल में आ जाता हूँ, एक नॉर्मल स्टाइल ले लेते हैं, जिस स्टाइल हमने पहले ही ले थी वही, राइट. तो अभी यहाँ पर जब भी आपने वर्ड आर्ट लिया होगा तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है फॉर्मेट. अगर नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे माउस से तो यहाँ पर ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट. फॉर्मेट ऑप्शन के हर एक इम्पोर्टेंट मेनू जो भी है वो हम यहाँ से लर्न करेंगे, जिसके अंदर पहला मेनू जो है वो है एडिट टेक्स्ट. मतलब एक बार जो टेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर आपने लिख दी उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करना है तो यू कैन क्लिक ओवर हियर. यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो तो फिर से वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर से आप जो है वो चेंज कर सकते हो उसकी टाइटल. सपोज मैं यहाँ पर टाइटल चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ MS Word, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड आई प्रेस ओके, तो यहाँ पर उसकी टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएगी बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट टेक्स्ट. देन यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्पेसिंग, वंस यू क्लिक ओवर हियर, मतलब ये जो लिखा हुआ आ रहा है उसके अंदर स्पेस थोड़ी मैनेज करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ वेरी टाइट, तो ये काफ़ी क्लोज आ जाएंगे सभी वर्ड, राइट. नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज टाइट, थोड़े टाइट हो जाएंगे, थोड़े लूज हो जाएंगे. देन ये नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, थोड़ी थोड़ी स्पेस बीच में आ गई. उसके बाद काफ़ी लूज, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ी स्पेस आ जाएगी. एंड देन द नेक्स्ट दैट इज वेरी लूज, काफ़ी लूज हो गई, राइट. सो ऐसे आप यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पर एक कर्न कैरेक्टर पेस, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस कैरेक्टर के अंदर थोड़े डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, बट बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो नॉर्मल ही सिलेक्टेड रखना है. तो ये नॉर्मल स्टाइल यहाँ पर सिलेक्टेड हो गई. और ये कर्न कैरेक्टर पेयर्स, मतलब कैरेक्टर एक दूसरे के साथ पेयर के अंदर रहे तो थोड़ा नज़दीक रहेंगे तो पेयर के अंदर रहेंगे, ऐसे आप जो है इसकी स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो. स्पेस बिटवीन द लेटर्स ऑफ टेक्स्ट, इसके बिटवीन की जो स्पेस है वो. यहाँ पर इवन हाइट, मतलब उसकी जो स्पेसिफिक हाइट जो है वो यहाँ से मैनेज होगी. वंस यू डिसलेक्ट इट तो ये नॉर्मली आ जाएगी, यहाँ पर से बेसिकली थोड़ी स्पेस थोड़ा खुला हुआ लगेगा. वंस यू क्लिक हियर, ये जो सभी चीज़ जो है वो है काफ़ी नज़दीक आ जाएगी. और यहाँ पर MS Word जो है ये जो है वो लाइन ऐसी थी वो ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर ऐड हो गई, बट बाय डिफॉल्ट हमें ये सिलेक्टेड नहीं रखना. उसके बाद वर्ड आर्ट वर्टिकल टेक्स्ट क्लिक करोगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगी. अगर फिर से क्लिक करोगे तो ये चली जाएगी और ये जो है वो टेक्स्ट सिंगल हो जाएगी. हॉरिजॉन्टल, ये जो है वो वर्टिकल, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल, ओके. नेक्स्ट दैट इज अलाइनमेंट, अगर आपको अलाइनमेंट स्पेसिफाई करना है तो आप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड सेंटर अलाइनमेंट यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट सेंटर ही रहता है, इसका यूज नॉर्मली हम नहीं करते क्योंकि आप इसे यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसका मूवमेंट जो है वो करवा सकते हो.
और ये तो आपने देखा ही अभी वर्ड आर्ट, इसकी स्टाइल यहाँ से आप जो है वो मैनेज कर सकते हो, कोई भी स्टाइल आप यहाँ से रख सकते हो। सपोज ये स्टाइल अभी मैं रख रहा हूँ, ओके, दिस इज शेप फिल। अगर आपको शेप के अंदर अपने हिसाब से कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर कलर, आप किसी भी कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लो, या तो आप ऐसा टेक्सचर भी दे सकते हो, ये जो पर्टिकुलर कई सारे टेक्सचर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई हम एक टेक्सचर देते हैं, ये जो है वो सनमाइको कलर है, फर्नीचर के अंदर होता है ना सनमाइको, तो वैसा कलर आप यहाँ से दे सकते हो शेप फिल के अंदर। ग्रेडियंट कलर अगर आपको देना है ऐसा, तो आप ऐसा कलर ग्रेडियंट भी कलर दे सकते हो, राइट। कोई फोटो अगर आपको इसके बीच में ऐड करना था, फोटो भी ऐड करवा सकते हो, यू हैव टू गो टू द पिक्चर, यू हैव टू सिलेक्ट पर्टिकुलर इमेज, तो यहाँ पर एक इमेज जो है वो ऐड हो जाएगी, किसी भी इमेज। शेप फिल में जाना है, क्या करना है, पिक्चर में जाना है, यहाँ से किसी भी एक इमेज को ऐसे सिलेक्ट करना है, वो इमेज ऐसा दिस पर्टिकुलर वर्ड बैकग्राउंड आप वहाँ पर सेट हो जाएगी। और नॉर्मली अगर आपको और कलर सिलेक्ट करना है तो आप मोर कलर में जाकर भी कलर को सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो, कस्टम में जाकर कस्टम कलर भी यहाँ से बना सकते हो, यू कैन क्रिएट द कस्टम कलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेन्यू। तो ये जो है ना वो कस्टम कलर यहाँ पर ऐड कर दे, दिस इज द शेप फिल। नेक्स्ट शेप आउटलाइन, अगर आपको आउटलाइन देनी है तो आप उसकी बॉर्डर की जो आउटलाइन है वो यहाँ से दे सकते हो, आप देख सकते हो प्रीव्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा कई सारी आउटलाइन यहाँ पर सेट हो रही है। उसकी विथ अगर बढ़ानी है तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर विथ में जाना, वेट में जाना है, उसकी विथ जो है उसकी थिकनेस जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो, नॉर्मली इतनी थिकनेस जो है वो चलेगी, ओके। तो ये हम सिलेक्ट करते हैं, फिर आउटलाइन में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डैश आउटलाइन चाहिए तो आप डैश भी ले सकते हो ऐसी, नॉर्मली ये काफ़ी अच्छी लगेगी। सो वी हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर आउटलाइन, आउटलाइन के कलर मोड चाहिए तो यहाँ से आप कलर भी गेट कर सकते हो, राइट। जो हमने पहले ऑप्शन देखा था वही कलर, वही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, बस ये आउटलाइन की कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। आउटलाइन के अंदर एक और ऑप्शन है पैटर्न, किसी भी पैटर्न की आउटलाइन चाहिए तो आप यहाँ से पैटर्न भी सिलेक्ट करवा सकते हो, सपोज ये चाहिए तो ये पैटर्न यहाँ पर आ जाएगी आउटलाइन, राइट। शेप में जाना है, पैटर्न में जाना है, यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर पैटर्न, और यहाँ से कलर भी आप पैटर्न का चेंज करवा सकते हो, सपोज मैं ये कलर रखना चाहता हूँ, सपोज ये वाला डार्क वाला, देन आई कैन क्लिक ऑन ओके, तो उसकी पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगी, दिस इज अ शेप आउटलाइन। नाउ चेंज शेप, अगर आपको शेप को चेंज करना है, मतलब ये जो है अलग अलग शेप है, ये जो स्ट्रेट अवे प्लेन टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल शेप, दिस इज अ राउंडेड कर्व शेप, डाउन कर्व शेप, दिस इज द प्योर राउंड शेप, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ दिस, दिस इज द स्पेसिफिक एम एस वर्ड एज अ स्नैक स्टाइल, ऐसे आप उसका शेप जो है वो चेंज यहाँ से कर सकते हो। ये अलग अलग टाइप के, ये ड्रम टाइप का शेप है, राउंड टाइप का है, सो यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर शेप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका शेप जो है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको शेडो इफेक्ट देना है तो यू कैन गो टू द शेडो, यू कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर शेडो इफेक्ट, यहाँ पर जो है उसकी परछाई बैकग्राउंड में आएगी, आप देख सकते हो, सपोज आई सिलेक्टेड दिस, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में उसकी परछाई आ गई, राइट दिस वन, सो यू कैन सी दैट देयर आर बैकग्राउंड, यू कैन सी द स्पेसिफिक शेडो इफेक्ट, तो वही है, तो नॉर्मल यही शेडो हम रखते हैं, तो थोड़ी थोड़ी शेडो आपको यहाँ पर दिखेगी, दिस इज द शेडो इफेक्ट। यू कैन स्पेसिफाई द कलर ऑल्सो इन द शेडो इफेक्ट, आप यहाँ पर शेडो में कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, सपोज मुझे ये येलो कलर चाहिए तो शेडो जो है वो थोड़ा येलो वाला हो जाएगा, राइट। सो यू कैन स्पेसिफाई द कलर ऑल्सो, शेडो किस पोजिशन में चाहिए आपको, तो ये पोजिशन आप यहाँ से दे सकते हो, ऊपर थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर बार बार क्लिक करके उसके शेडो जो है वो बढ़ा सकते हो, डाउन में ज्यादा शेडो चाहिए तो डाउन साइड आप मल्टीपल क्लिक से डाउन साइड शेडो जो है बढ़ा सकते हो, या लेफ्ट साइड हुआ लेफ्ट साइड शेडो बढ़ेगा, या राइट साइड शेडो बढ़ेगा,
तो शेडो जिस साइड आपको मूवमेंट करवाना है शेडो उसको उस साइड आप मूवमेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट दैट इज अ 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करनी है ऐसे, ये सारी जो 3D इफेक्ट है, सपोज मैं ये रखता हूँ तो ये 3D इफेक्ट इफेक्ट हो गई हमारी। एक्चुअल जो कोई 3D ऑब्जेक्ट होता है उस टाइप की इफेक्ट यहाँ पर आ गई। ये आपको अगर टेक्स्ट को मोड़ना है तो आप ऐसे मोड़ सकते हो। ये मैं टेक्स्ट को मोड़ रहा हूँ, आई हैव जस्ट रोटेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं यहाँ पर से रोटेट कर रहा हूँ। यू कैन मेक रोटेशन ऑफ द टेक्स्ट बाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। यहाँ से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। सपोज हम इसे सीधी कर देते हैं, ओके, तो दिस इज अवर नॉर्मल टेक्स्ट। खुद की पोजीशन को अगर आपको चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हो। यहाँ पर अलग अलग पोजीशन है, ये डाउन वाली पोजीशन है तो ये जो है वो डाउन में नीचे चला जाएगा, ये जो है वो टॉप वाली पोजीशन है तो ये टॉप में आ जाएगा। तो उसकी पोजीशन आप यहाँ से चेंज करवा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द पोजीशन। राइट, अभी इम्पोर्टेंट जितने भी ऑप्शन थे वो हमने यहाँ पर से देख लिए। दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन इतने सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, अदरवाइज वी कैन लर्न दिस थिंग। बट यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बस इसका सबसे ज़्यादा यूज नहीं होता। सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट। हम जो है वो जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन थे, ये सारे ऑपरेशन आपके सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंट थे, सो दैट वी हैव डिस्कस राइट नाउ। ये सारे ऑपरेशन हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ से आप रोटेट करवा सकते हो, राइट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री राइट हैंड साइड, रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। राइट, सो दैट ऑल आर द टॉपिक दैट यू डिस्कस्ड राइट नाउ। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे उसके साथ वर्क करना है, दैट यू कैन लर्न राइट नाउ। राइट, अभी वर्ड आर्ट के अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग के अलग अलग ऑप्शन, सपोज अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पर माउस ले आकर राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉर्मेट वर्ड आर्ट, तो यहाँ पर से भी आप वर्ड आर्ट को फॉर्मेट कर सकोगे। राइट, लास्ट ऑप्शन था फॉर्मेट वर्ड आर्ट, यहाँ पर आप उसको इफेक्ट भी दे सकोगे। यहाँ से फॉर्मेट होएगा, उसके अंदर अलग अलग कलर अगर आपको स्पेसिफाई करने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये स्टाइल है, कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करो तो अकॉर्डिंग टू द स्टाइल उसका जो है वो व्यू डिफरेंट हो जाएगा। मेक अ राइट क्लिक, गो टू द लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट वर्ड आर्ट। इसके अंदर और भी अलग अलग अवेलेबल है चीज, बट मेनली कलर एंड लाइंस का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। यह ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है। सपोज मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ, उसकी इफेक्ट भी थोड़ी यहाँ से चेंज करूंगा। सपोज ग्रे वाली मैं इफेक्ट ले लेता हूँ, ये वाली सिलेक्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा एंड देन ओके, तो उसकी इफेक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर ये नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दो तो पुराने वाली इफेक्ट फिर से वापस आ जाएगी। सो इन दैट वे यू कैन मैनेज द वर्ड आर्ट फैसिलिटी इन वर्ड। राइट, सो आज हमने वर्ड आर्ट फैसिलिटी के बारे में अभी स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मोर ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट इन अ वर्ड। वर्ड के अंदर और भी ड्रॉइंग के कई सारे ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं।